डे वन से ट्रांसपेरेंसी ऑफ ट्रेड के हक में हैं। हमारे लिए जो प्रीवियस गवर्नर साहब की मीटिंग में मिनट्स पास हुए, जो मैकेनिज्म ड्राइव किया गया, वो भी ऑन रिकॉर्ड है। अगर उसमें मजीद को इजाफा होना चाहता है वो उसके लिए। रहा सवाल जो यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो ऑलमोस्ट रेडी है, स्कैनर भी रेडी है, इसमें कोई ज़्यादा देर लगने वाली नहीं है। लेकिन देर एक ही बात की है कि हम किस इंटेंशन से इस ट्रेड को आगे चलाएं। बोनोफाइड ट्रेडर्स की डेफिनेशन जो है वो बिल्कुल हम उसके हक में हैं। जो भी बोनोफाइड ट्रेडर्स होंगे वो कर सकते हैं ट्रेड, उसके लिए हम बिल्कुल खैर मुकदम करते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की। लेकिन सवाल ये है कि वीज़ा वीज इसको टाइम जितना ज़्यादा जाएगा उतना नुकसान हो रहा है आम ट्रेडर का यहाँ, क्योंकि हज़ारों मजदूर, ड्राइवर, बाकी लोग इन्वॉल्व हैं इसमें। तो इसलिए ये एक रोज़गार का वसीला था और इससे CBM की एक बहुत बहुत बड़ी शान बढ़ चुकी थी, जो एक जो काबिल रिप्रेजेंटेबल था फॉर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो हमें वी अगेन रिक्वेस्ट टू द गवर्नमेंट एंड स्पेशली टू होम मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया फॉर रिस्टोरिंग दिस ट्रेड अगेन बैक, बहाल किया जाए, रीइंस्टेट किया जाए, सो दैट वी मे बी एबल टू अफोर्ड दिस ट्रेड, ताकि जो हमारा नुकसान हुआ है टू मीट आउट दैट काइंडली। जो ये गवर्नमेंट ने फैसला अचानक से लिया ट्रेड सस्पेंड करने का, इससे ताजरों को बहुत ही नुकसान हो रहा है। पहले कई दिनों से ट्रेड नहीं हो पा रहा था, जिसकी वजह से यहाँ पे आपने देखा कि गाड़ियाँ खड़ी हैं, उनके बीच माल है और वो ऐसा ही है, और यहाँ से हमारा कुछ माल गया है वहाँ की तरफ है, पेमेंट है, और हम कारोबारी इंसान हैं, हम तो बिल्कुल ख़त्म हो गए हैं इस फैसले से। और हम गवर्नमेंट से यही उम्मीद करेंगे कि इस फैसले को रिवाइज जल्दी किया जाए, ताकि ये ट्रेड बहुत ही जल्दी शुरू हो, ताकि इसमें देरी ना की जाए। और जो बोनीफाइड ट्रेडर्स की बात है, हम बोनीफाइड ट्रेडर्स हैं और इंशाल्लाह हम अपने मुल्क के साथ ईमानदारी और वफादारी के साथ हैं, और ये काम हमेशा से करते आए हैं और आगे भी करते रहेंगे। इसको आगे